सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी एक साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के दो ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसनदास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता, कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया, उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं, राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा, उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात
बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते तब भूखी नहीं बचती तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण। हमने पढ़ा है कि शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। साहचर्य गुण संख्याओं का समूह यानी ग्रुप बनाकर हल करना सिखाता है। आइए इसे विस्तार से समझें। चलिए पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 फलियां हैं, 3 फलियां हैं और 2 फलियां हैं। अगर हमें कुल फलियां कितनी हैं यह ज्ञात करना है तो हम कौन सी संक्रिया करेंगे? हम इनका योग प्राप्त करेंगे यानी इन्हें जोड़ेंगे। इन्हें जोड़ने का एक तरीका है, पहले हम 5 और 3 का समूह बनाकर इनके योग के साथ 2 जोड़ेंगे, या फिर पहले 3 और 2 का समूह बनाकर प्राप्त होने वाले योग में 5 जोड़ेंगे। संख्याओं के चाहे हम कैसे भी समूह बनाएं, परिणाम यानी रिजल्ट समान ही प्राप्त होगा। इस तरह से किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं ए बी और सी को किसी भी प्रकार समूह बनाकर जोड़ा जा सकता है। ए धन बी धन सी बराबर ए धन बी धन सी का परिणाम हर बार समान ही प्राप्त होगा, इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। अब आइए समझे पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन का साहचर्य गुण। क्या योग की ही तरह पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन भी साहचर्य है? विचार करें। अगर हम इस प्रकार समूह बनाते हैं तो पहले हम 5 से 3 घटाएंगे और फिर 2 को घटाएंगे, इससे जवाब 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार समूह बनाते हैं तो हमें जवाब 4 प्राप्त होगा। दोनों में परिणाम समान नहीं है। यही नहीं बल्कि किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं ए बी और सी का किसी भी प्रकार समूह बनाकर व्यवकलन नहीं किया जा सकता, यानी कि ए ऋण बी ऋण सी और ए ऋण बी ऋण सी बराबर नहीं होते, इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। आइए अब बात करते हैं गुणन की। इस चित्र को देखिए। क्या आप सिर्फ गुणा की क्रिया से कितनी गोलियां है पता कर सकते हैं? एक पंक्ति की 2 गोलियां, इस तरह से 3 पंक्तियों में गोलियां 2×3 होंगी, और चूंकि 4 पैकेट है इसलिए गोलियों की कुल संख्या 2×3×4 है। इसे हल करने के लिए 2 और 3 का समूह बनाया जा सकता है या 3 और 4 का समूह बनाया जा सकता है। दोनों तरीकों से गोलियां 24 ही प्राप्त होंगी। इस तरह से किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं ए बी और सी का किसी भी प्रकार समूह बनाकर गुणा किया जा सकता है। ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी का परिणाम हर बार समान ही प्राप्त होगा, इसलिए
पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। विभाजन की बात करें तो किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं का विभाजन क्रम बदलकर नहीं किया जा सकता, यानी के पूर्ण संख्याएं ए, बी और सी के लिए ए विभाजित बी विभाजित सी ए विभाजित बी विभाजित सी के बराबर नहीं है। इस तरह से पूर्ण संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है। इस प्रकार आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। अगले वीडियो में हम इस गुण के कुछ उदाहरण देखेंगे। वन महोत्सव के दौरान आकाश ने 9 पेड़ लगाए, अजय ने 7 पेड़ लगाए और बबीता ने 3 पेड़ लगाए। क्या आप बता सकते हैं तीनों ने मिलकर कितने पेड़ लगाए? आकाश, अजय और बबीता ने कुल कितने पेड़ लगाए, यह पता करने के लिए हमें 9, 7 और 3 को जोड़ना होगा। इसे 9 और 7 का समूह बनाकर हल किया जा सकता है, जिसका परिणाम होगा 19। चूंकि पूर्ण संख्याओं के लिए योग साहचर्य यानी एसोसिएटिव है, इसलिए हम 7 और 3 का समूह बनाकर भी इसे हल कर सकते हैं। इसका भी परिणाम 9 धन कोष्टक में 7 धन 3 बराबर 19 ही आएगा। क्या आप बता सकते हैं इनमें आसान विधि कौन सी है? विचार करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कोष्टक में 9 धन 7 धन 3 की तुलना में 9 धन कोष्टक में 7 धन 3 को हल करना आसान है। इस तरह से साहचर्य गुण पूर्ण संख्याओं के योग को आसान बनाता है। दोनों विधियों से हमें आकाश, अजय और बबीता ने लगाए पेड़ों की कुल संख्या 19 प्राप्त होती है। अगला उदाहरण 17, 25 और 4 का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का किस प्रकार प्रयोग करेंगे? अगर हम संख्याओं को ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि 25 और 4 का गुणा आसानी से किया जा सकता है। इसलिए साहचर्य गुण के अंतर्गत हम संख्याओं का 17 गुणा कोष्टक में 25 गुणा 4 इस प्रकार समूह बना सकते हैं। इस प्रकार समूह बनाकर हल करना काफी आसान होगा। यहाँ 25 और 4 का गुणनफल होगा 100 और 17 और 100 बराबर 1700। अगला उदाहरण ज्ञात कीजिए 50 गुणा 669 गुणा 20। आपके लिए 50 गुणा 669 गुणा 20 को हल करना कठिन हो सकता है, लेकिन क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और साहचर्य गुण के उपयोग से इसे आसानी से हल किया जा सकता है। आइए इसे समझे। गुणन के क्रम विनिमेयता गुण के उपयोग से दी संख्याओं को क्रम बदल कर इस प्रकार लिखा जा सकता है और साहचर्य गुण के उपयोग से इस प्रकार समूह बनाया जा सकता है। 50 और 20 का गुणनफल 1000 आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह 1000 और 669 का गुणनफल 669000 भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने देखे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इस गुण से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। मिथ्या धारणा एक, साहचर्य गुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स के लिए योग यानी एडिशन और गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन साहचर्य यानी एसोसिएटिव है। इस समझ में उलझन के कारण साहचर्य गुण का प्रयोग गलत तरीके से किया जाता है और 8 धन 4 गुणा 2 को 8 धन 4 गुणा 2 के बराबर मान लिया जाता है। इस समझ से ऑप्शन एक, यह गलत जवाब दिया जाता है। साहचर्य गुण की सही समझ न होने के कारण ऑप्शन 2 जैसी गलतियां भी की जाती है। पूर्ण संख्याओं का विभाजन साहचर्य नहीं है, लेकिन कई बार विभाजन की संक्रिया को आसान बनाने के लिए इस गुण का प्रयोग किया जाता है। इस गलत समझ से ऑप्शन 3 जवाब दिया जाता है। साहचर्य गुण के सही समझ से ऑप्शन 4 यह सही जवाब दिया जाता है। मिथ्या धारणा 2, किसी स्कूल में कुल 9 कमरे हैं और हरेक कमरे में 25 बेंच है।
यदि हर एक बेंच पर दो विद्यार्थी बैठे हो तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इस सवाल को रमेश ने 9 × 25 × 2 इस प्रकार हल किया और गगन ने 9 × 25 × 2 इस प्रकार हल किया। क्या आप बता सकते हैं किसे आसानी से हल प्राप्त हुआ होगा? साधारणतः साहचर्य गुण को निरर्थक समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है और गुणन को दिए क्रम में ही हल किया जाता है। दिए उदाहरण को 9 × 25 × 2 इस प्रकार हल करना कठिन है, क्योंकि पहले 9 × 25 करना होगा, फिर आने वाले परिणाम 225 के साथ 2 का गुणन करना होगा, चाहे बात हो 9 × 25 के गुणन की या 225 × 2 के गुणन की। दोनों ही कठिन हैं, लेकिन इसे आसानी से हल किया जा सकता है अगर गुणन के साहचर्य गुण का प्रयोग किया जाए, यानी कि पहले 25 और 2 का गुणन आसानी से किया जा सकता है, जिससे परिणाम 50 यह संख्या प्राप्त होगी, फिर 9 और 50 का गुणन करेंगे जिसका परिणाम 450 आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए गगन को हल आसानी से प्राप्त हुआ होगा, रमेश को नहीं। आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन। दिए चित्र को देखकर क्या आप बता सकते हैं यहाँ कुल कितना जूस है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 2 पूर्ण गिलास और 1 आधा गिलास जूस से भरा है, यानी कि यहाँ कुल 2 और 1/2 गिलास जूस है, जिसे हम 5/2 से व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम अंश 5 और हर 2 दोनों को 5 से गुणा करें, तो हमें ऐसी भिन्न प्राप्त होगी जिसका हर 10 है। किसी भिन्न का हर 10, 100, 1000 जैसी संख्या होगी, तो इसे हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं, जिसमें दशमलव बिंदु के बाई ओर पूर्ण संख्या और दशमलव बिंदु के दाई ओर पूर्ण का भाग व्यक्त किया जाता है। दशमलव बिंदु के साथ व्यक्त की गई संख्या एक दशमलव संख्या कहलाती है। पिछली कक्षा में हमने दशमलव संख्याओं का योग और व्यवकलन सीखा, अब हम सीखेंगे इनका गुणन। मान लीजिए 1 गिलास में 0.2 लीटर जूस भरा जा सकता है। यदि हमें पता करना हो कि 4 गिलास में कितना लीटर जूस भरा जा सकता है, तो इसे पता करने के लिए हमें 0.2 और 4 का गुणन करना होगा। तो आइए 4 × 0.2 का परिणाम ज्ञात करें। दशमलव संख्या 0.2 को हम भिन्न के रूप में 2/10 लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम 1 वर्ग को इकाई मानेंगे, तो इस वर्ग के 10 बराबर भागों में से 2 भाग 2/10 हैं। चूंकि 0.2 यानी 2/10 को 4 बार दोहराया गया है, इसलिए हम इन 2 भागों को 4 बार दोहराएंगे। इससे हमें 10 में से कुल 8 छायांकित भाग प्राप्त होंगे, यानी कि कुल छायांकित भाग होगा 8/10। इसे हम दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं 0.8 से।
इसलिए हम कहते हैं कि 4 × 0.2 बराबर 0.8 है, यानी कि 4 गिलास में कुल 0.8 लीटर जूस भरा जा सकता है। दशमलव संख्याओं का गुणन इन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त करके भी किया जा सकता है। जैसे 4 × 0.2 का गुणन करने के लिए हम 0.2 को 2/10 के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर हम पूर्ण संख्या 4 और भिन्न के अंश 2 का गुणन कर परिणाम का अंश प्राप्त कर लेंगे 8, और हर वैसा का वैसा रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 8/10, जिसे हम 0.8 के रूप में व्यक्त करते हैं। भिन्नों के गुणन की एक और आकर्षक विधि है। इस विधि में हम गुणा की जाने वाली संख्याओं को एक के नीचे एक लिखते हैं, फिर हम दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर इनका पूर्ण संख्याओं के भांति गुणन करते हैं। यह परिणाम प्राप्त करने के बाद हम गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कुल कितने अंक है यह पता करते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 4 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इसमें दशमलव बिंदु के बाद कोई अंक नहीं होगा, और 0.2 में दशमलव बिंदु के बाद एक अंक है। इस तरह से दोनों संख्याओं में कुल एक अंक दशमलव बिंदु के बाद है, इसलिए हम परिणाम में दाई ओर से एक अंक गिनकर इसके पहले दशमलव बिंदु रखते हैं। चूंकि यहाँ एक ही अंक है, इसलिए हम इसके पहले दशमलव बिंदु रखेंगे। चूंकि दशमलव बिंदु के पहले पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम दशमलव बिंदु के पहले 0 रखते हैं। इस तरह से हमें 4 × 0.2 का परिणाम प्राप्त होगा 0.8। इसी तरह क्या आप 2.005 × 6 का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए इसे हल करें। यहाँ हम दोनों संख्याओं को एक के नीचे एक लिखेंगे, फिर हम इनका पूर्ण संख्याओं के भांति गुणा करेंगे, फिर हम देखते हैं कि गुणन की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद 3 × 0 बराबर 3 अंक है, इसलिए हम परिणाम में दाएं से 3 अंकों के पहले दशमलव बिंदु रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 12.030, या इसे ही हम 12.03 लिख सकते हैं। क्योंकि दशमलव बिंदु के अंतिम शून्यतर अंक के बाद 0 लगाने से या हटाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम भिन्नों को 10, 100, 1000 जैसी संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें एक प्रतिरूप देखने मिलता है। आइए इसे समझें। जैसे मान ले हमें 2.3578 को 10 से गुणन करना हो, तो इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 23.578। यहाँ अगर हम देखें तो गुणन की जाने वाली संख्या 2.3578 और परिणाम के अंक तो वैसे के वैसे है, लेकिन दशमलव बिंदु एक स्थान से दाई ओर सरक गया है। इसी तरह अगर हम 2.3578 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमें परिणाम में गुणन की जाने वाली संख्या 2.3578 के ही अंक मिलेंगे, लेकिन अब की बार दशमलव बिंदु दो स्थान दाई ओर सरक गया है। क्या अब आप 2.3578 × 1000 का परिणाम बिना गुणन किए ज्ञात कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ भी संख्या के अंक वैसे के वैसे रखेंगे, लेकिन दशमलव बिंदु 3 स्थान से दाई ओर सरक जाएगा। इससे आपको क्या पता चलता है? चलिए हम बताते हैं। जब किसी दशमलव संख्या को 10 या 10 से गुणज जैसे 100, 1000, 10,000 से गुणा किया जाता है तो परिणाम और दशमलव संख्या के अंक समान होते हैं, लेकिन दशमलव बिंदु उतने स्थान दाई ओर सरकता है जितने एक पर 0 होते हैं। इससे अब आप जान गए होंगे कि पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या का गुणन कैसे किया जाता है। तो आज हमने सीखा दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन। अगली वीडियो में देखेंगे 2 दशमलव संख्याओं का गुणन। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणन। पिछले वीडियो में हमने सीखा दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन। अब आइए सीखे 2 दशमलव संख्याओं का गुणन कैसे किया जाए। मान लीजिए हमें 0.2 × 0.2 का गुणनफल प्राप्त करना है। क्या इसका परिणाम 0.4 होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं।
पहली संख्या 0.2 है, जिसे भिन्न के रूप में 2/10 लिखा जा सकता है। इसे निरूपित करने के लिए हम एक वर्ग को इकाई मानकर इसके क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली 10 बराबर भागों में बांटेंगे और इनमें से 2 भागों को छायांकित करेंगे। इसी तरह दूसरी संख्या है 0.2 यानी कि 2/10। इसे निरूपित करने के लिए हम एक और वर्ग लेंगे, इसे ऊर्ध्वाधर रूप से यानी वर्टिकली 10 बराबर भागों में बांटेंगे और इनमें से 2 भागों को छायांकित करेंगे। इस तरह से 0.2 × 0.2 को ही हम 2/10 × 2/10 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। 2/10 × 2/10 का परिणाम प्राप्त करने के लिए हम दोनों वर्गों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करेंगे। इससे हमें कुल 100 बराबर भाग प्राप्त होंगे। 2/10 × 2/10 का परिणाम दोनों वर्गों का उभयनिष्ठ भाग होगा। क्या आप बता सकते हैं यह दोनों वर्गों का उभयनिष्ठ भाग क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह दोनों वर्गों में 100 में से 4 भाग उभयनिष्ठ है, जिसे हम भिन्न के रूप में 4/100 और दशमलव रूप में 0.04 इस प्रकार व्यक्त करते हैं, क्योंकि व्यक्त किए चित्र में प्रत्येक छोटा वर्ग कुल वर्ग का 1/100 भाग है यानी 0.01 है। चूंकि यह 100 में से 4 छोटे वर्ग उभयनिष्ठ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल वर्ग का 4/100 भाग यानी 0.04 भाग उभयनिष्ठ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.2 × 0.2 बराबर है 0.04 के। अब आप जान गए होंगे कि 0.2 × 0.2 बराबर 0.4 नहीं है बल्कि 0.04 होता है। इस तरह से हमें 2 दशमलव संख्याओं का गुणन करने की एक विधि प्राप्त होती है, जिसमें हम दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, फिर इनका गुणन करते हैं और फिर से प्राप्त परिणाम को दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि 0.2 × 0.2 बराबर 0.04। 2 दशमलव संख्याओं का गुणन पूर्ण संख्याओं के गुणन के तरह ही किया जा सकता है। इसमें हम दोनों दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक रखेंगे, फिर हम दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर इनका पूर्ण संख्याओं के भांति गुणन करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 4। फिर हम देखेंगे कि गुणन की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कुल 1 + 1 बराबर 2 अंक है, इसलिए हमें परिणाम में दाएं से 2 अंकों के पहले दशमलव बिंदु रखना होगा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ हम दशमलव बिंदु कहाँ रखेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि हमें दाएं से 2 अंक पहले दशमलव बिंदु रखना है, लेकिन 4 के बाईं ओर कोई अंक नहीं है, इसलिए हम इस स्थान पर स्थान धारक शून्य का प्रयोग करेंगे। फिर हम इस शून्य के बाईं ओर दशमलव बिंदु रखेंगे। चूंकि यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम दशमलव बिंदु के बाईं ओर शून्य रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 0.04। प्रयास कीजिए, 0.25 × 0.3 का परिणाम क्या होगा? तो आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का गुणन। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। हरीश ने दुकानदार से 100 चॉकलेट खरीदी। यदि चॉकलेट का मूल्य 2.50 रुपए हो तो उसे दुकानदार को कितनी धनराशि अदा करनी होगी? चूंकि हरीश ने 100 चॉकलेट खरीदी है और प्रत्येक चॉकलेट 2.50 रुपए की है, इसलिए कुल धनराशि पता करने के लिए हमें चॉकलेट की संख्या और प्रत्येक चॉकलेट का मूल्य इनका गुणन करना होगा, यानी कि 100 और 2.50 का गुणन करना होगा। तो आइए 100 × 2.50 का गुणनफल ज्ञात करें। क्या आप बता सकते हैं यह गुणन हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह 2.50 में 0 एक स्थान धारक यानी प्लेस होल्डर है। चूंकि यह संख्या के अंत में है, इसलिए हम इसे निकाल सकते हैं। 0 को निकालने पर गुणन बन जाएगा 100 × 2.5। अब हमें इसका गुणनफल प्राप्त करना है।
2.5 का भिन्न में परिवर्तन होगा 25/10। इसलिए हम गुणन को 100 × 25/10 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से गुणा किया जा रहा है। इसका गुणनफल प्राप्त करने के लिए हम पूर्ण संख्या और भिन्न के अंश का गुणा करेंगे और हर से विभाजित करेंगे, जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 250। अगर हम 100 × 2.50 = 250 को ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि परिणाम और दशमलव संख्या के अंक समान हैं, लेकिन दशमलव बिंदु दो स्थान दाई ओर सरक गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी दशमलव संख्या को 100 से गुणा करना हो तो दशमलव बिंदु को दो स्थान दाई ओर सरकाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा, यानी कि हरीश ने दुकानदार को 250 रुपए अदा करने होंगे। अगला उदाहरण, यदि पेट्रोल का दाम 89.06 रुपए प्रति लीटर है तो 3.4 लीटर पेट्रोल के लिए कितना मूल्य चुकाना होगा। चूंकि पेट्रोल का दाम 89.06 रुपए प्रति लीटर है और हमें 3.4 लीटर का मूल्य प्राप्त करना है, इसलिए हम 89.06 रुपए को 3.4 से गुना करेंगे। चूंकि गुणन क्रम विनिमेय है, यानी किसी भी क्रम में किया जा सकता है, इसलिए हम इस गुणन को 89.06 रुपए × 3.4 भी लिख सकते हैं। ऐसा करने से परिणाम प्राप्त करना अधिक आसान बन जाएगा। गुणनफल प्राप्त करने के लिए पहले हम 89.06 और 3.4 के दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर इनका पूर्ण संख्याओं के भांति गुणा करेंगे, यानी कि हम 7906 × 34 का गुणनफल ज्ञात करेंगे। यह गुणनफल निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जिसका परिणाम आएगा 268804। अब हम देखते हैं कि 89.06 और 3.4 में दशमलव बिंदु के दाई ओर कुल 2 × 1 = 3 अंक है, इसलिए हम परिणाम में दाएं से 3 अंक छोड़कर दशमलव बिंदु रखेंगे। इससे हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 268804। इसलिए 89.06 × 3.4 = 268804 रुपए, यानी कि 3.4 लीटर पेट्रोल के लिए 268804 रुपए मूल्य चुकाना होगा। अगला उदाहरण, 0.04 × 0.07 का परिणाम ज्ञात कीजिए। आइए इसे भिन्न के रूप में परिवर्तित कर हल करें। 0.04 = 4/100 और 0.07 = 7/100। 0.04 × 0.07 = 4/100 × 7/100 = 4×7/100 = 28/10,000। जरा सोचिए, अब हम दशमलव बिंदु कहाँ व्यक्त करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं, यह 10,000 में एक के बाद कुल 4 अंक है, इसलिए हम अंश में दाएं से बाएं 4 स्थानों के पहले दशमलव बिंदु रखेंगे। चूंकि यहाँ 2 स्थान खाली है, इसलिए इनके स्थान पर स्थान धारक 0 रखेंगे। इसी तरह इकाई का स्थान भी खाली है, इसलिए इस स्थान पर भी 0 रखेंगे। तो आज हमने देखे दशमलव संख्याओं के गुणन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। मिथ्या धारणा एक, दूध वाले ने 55.5 रुपए प्रति लीटर के दर से 11.5 लीटर दूध बेचा। पता कीजिए, दूध वाले को कितनी धनराशि प्राप्त हुई होगी। दूध वाले ने 55.5 रुपए प्रति लीटर की दर से 11.5 लीटर दूध बेचा, उसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई होगी। यह पता करने के लिए हमें 11.5 × 55.5 रुपए का परिणाम ज्ञात करना होगा। परिणाम ज्ञात करने के लिए पहले हम इनका दशमलव बिंदु नजरअंदाज कर गुणा करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 63,825। फिर हम देखते हैं कि 11.5 में दशमलव बिंदु के दाई ओर एक अंक है और 55.5 में दशमलव बिंदु के दाई ओर एक अंक है, यानी कि गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाई ओर कुल 2 अंक है। इसलिए
हम परिणाम में सबसे दाई तरफ से 2 अंक छोड़कर दशमलव बिंदु व्यक्त करेंगे। इससे हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 638.25, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। कुछ बच्चे दशमलव बिंदु को रखते समय दाई से अंक ना गिनकर बाई से गिनते हैं, इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 63.825, जो कि 11.5 × 55.5 रुपए का गलत हल है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि दशमलव संख्या के गुणन को हल करने के लिए गुणा की जाने वाली संख्याओं के पूर्ण भागों का और पूर्ण से कम भागों का गुणा अलग अलग किया जा सकता है। जैसे 11.5 × 55.5 रुपए को हल करने के लिए 11 और 55 का गुणा किया जा सकता है और 0.5 और 0.5 का गुणा किया जा सकता है। पूर्ण भागों के गुणन का परिणाम प्राप्त होगा 565 और पूर्ण से कम भागों का गुणनफल प्राप्त होगा 0.25। फिर दोनों को जोड़ दिया जाता है और परिणाम प्राप्त किया जाता है 565.25। यह भी एक गलत धारणा है। इससे ऑप्शन 3 यह गलत जवाब दिया जाता है। ध्यान रहे, इस प्रकार गुणा करना गलत है। मिथ्या धारणा 2। एक दिन शिक्षक ने बच्चों से सवाल पूछा, क्या 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या होती है? इस पर अमित ने जवाब दिया हाँ और निशा ने जवाब दिया नहीं। तो बताइए कौन सही है? कई बार बच्चों की यह धारणा होती है कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या होती है। अगर उन्हें इसे सत्यापित करने के लिए कहा जाए तो वे 2 पूर्ण संख्याओं के गुणन का उदाहरण देते हैं, जैसे 7 × 10 = 70, 10 × 10 = 100, 5 × 7 = 35 इत्यादि, और बताते हैं कि इन सभी का परिणाम दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या है। लेकिन यह एक गलत समझ है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जरूर एक बड़ी संख्या होती है, लेकिन क्या दशमलव संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त परिणाम भी एक बड़ी संख्या होती है? विचार करें। अब आपको जरूर समझ आया होगा कि दशमलव संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा एक बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होती। जैसे 0.2 × 0.4 = 0.08 के, जो कि एक छोटी संख्या है। इसलिए सही समझ यह है कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या नहीं होती। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल एक बड़ी संख्या भी हो सकती है और एक छोटी संख्या भी हो सकती है। जैसे 1.2 × 2.4 = 2.88। यहाँ 2.88 दोनों संख्याओं से बड़ी है। 0.12 × 2.4 = 0.288। यहाँ 0.288 0.12 से बड़ी है, लेकिन 2.4 से छोटी है। 0.12 × 0.24 = 0.0288। यहाँ 0.0288 दोनों संख्याओं से छोटी है। इन मिथ्या धारणाओं के साथ अक्सर एक साधारण गलती भी की जाती है। दशमलव संख्याओं का योग या व्यवकलन करते समय जैसे दशमलव बिंदु को नीचे लिया जाता है, ठीक वैसे ही गुणन करते समय भी दशमलव बिंदु को नीचे लिया जाता है। यानी कि बच्चे दशमलव स्थानों की गिनती नहीं करते। इससे गलत परिणाम प्राप्त होता है। सही समझ यह है कि गुणा की जाने वाली दशमलव संख्याओं के दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की गिनती की जाती है और गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कुल कितने अंक है यह पता किया जाता है। फिर परिणाम में दशमलव बिंदु रखते समय दाएं से उतने ही अंक गिनकर दशमलव बिंदु व्यक्त किया जाता है। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं के गुणन से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमेय गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज कक्षा में क्या हो रहा है। बच्चों, राहुल किसी काम से दिल्ली से कानपुर गया और फिर कानपुर से प्रयागराज गया। दिल्ली से कानपुर की दूरी 495 किलोमीटर है और कानपुर से प्रयागराज की दूरी 205 किलोमीटर है। तो राहुल को दिल्ली से प्रयागराज जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी?
बच्चों आपका उत्तर 700 किलोमीटर आया होगा। अब राहुल को जब वापस आना था तब वो प्रयागराज से कानपुर गया और फिर कानपुर से दिल्ली पहुंचा। तो बच्चों अब उसने कितनी दूरी तय की? आपने सही सोचा, 700 किलोमीटर। बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में राहुल ने बराबर दूरी तय की। यहां इन संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रमों को बदलने से उत्तर में कोई बदलाव नहीं आया। सर, यहां दो पूर्णांकों को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए हर स्थिति में योगफल समान आया, क्योंकि पूर्णांकों का योग क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव होता है। सही कहा सोहन। अब क्रम विनिमेयता का अर्थ भी सबको बताओ। सर, विनिमेय का अर्थ है अदला बदली और क्रम विनिमेय का अर्थ है क्रमों की अदला बदली करना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ें तो उनका योगफल नहीं बदलता है। हम किन्हीं भी दो पूर्णांक जैसे कि ए और बी को किसी भी क्रम में जोड़ें या गुना करें तो उत्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि पूर्णांकों का योग और गुणन क्रम विनिमेय होता है। सही कहा सोहन। पिछली कक्षा में हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के क्रम विनिमय गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q एक शून्येतर संख्या है, जैसे कि 4/7, -10/49 इत्यादि। हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों को भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम हर की जगह एक लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी परिमेय संख्याएं ही हैं। चलिए अब परिमेय संख्याओं के योग के लिए क्रम विनिमेयता पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं। अब इन्हें क्रमागत तरीके से जोड़िए। ऐसी संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे हम भिन्नों को जोड़ा करते हैं लघुत्तम समपवर्त्य LCM की सहायता से। यहाँ पर हरों का लघुत्तम समपवर्त्य है 12। इन्हें जोड़ने पर हमें उत्तर 11/12 मिलेगा। अब एक बार इनका क्रम बदलकर जोड़िए। हम देखेंगे कि दोनों ही बार उत्तर 11/12 आएगा। बच्चों अब आप स्क्रीन पर दिए गए संख्याओं को इस क्रम में जोड़िए। ध्यान रहे, यहाँ पहले सवाल में जो 5 है उसे आप 5/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। आप सब भी वीडियो को रोककर इन सवालों को हल करिए और इनके उत्तर लिख लीजिए, जो इस प्रकार होंगे। अब आप इन संख्याओं के क्रम बदलिए और इन्हें जोड़िए। सर, क्रम बदलने पर भी हमारा उत्तर वही आया। बच्चों आप सब देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के जोड़ में क्रमों को बदलने से हमारे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है। इसीलिए हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं जैसे a और b को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। बच्चों पर क्या परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी क्रम विनिमेय है? सबसे पहले दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 3/4 और -5/6। अब एक बार -5/6 को 3/4 से घटाइए, जिसे हम इस प्रकार से करेंगे। और एक बार क्रमों को बदलते हुए 3/4 को -5/6 से घटाइए और उत्तर बताइए। सर, दोनों ही बार अलग उत्तर आया। सही कहा मोहन। अब आप दिए गए कुछ और परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करिए। आप सब भी वीडियो को रोककर इन सवालों को हल करिए और अपना उत्तर लिख लीजिए।
अब हर सवाल में संख्याओं के क्रमों को बदलकर हल कीजिए। दिए गए हर सवाल में संख्याओं के क्रमों को बदलने से हमारा उत्तर अलग आया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि व्यवकलन में संख्याओं के क्रमों को बदलने से हमारा उत्तर बदल जाता है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a घटा b b घटा a के बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और संक्रिया गुणन पर चर्चा करते हैं। क्या परिमेय संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमेय है? चलो देखते हैं। इसके लिए हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणन करिए। उत्तर आया 35/12। अब इन संख्याओं के क्रमों को बदलते हैं। सर, अभी भी हमारा उत्तर 35/12 ही आया। अब आप सब इन सवालों को हल करिए। इन सवालों को हल करने के बाद आपका उत्तर इस प्रकार से आया होगा। अब इन संख्याओं के क्रम बदल कर गुना करिए। सर, संख्याओं की अदला बदली से हमारा उत्तर नहीं बदला। सही कहा मोहन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय है। व्यापक रूप से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a गुणा b बराबर b गुणा a होता है। बच्चों, अब हम परिमेय संख्याओं के भाग के लिए क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। अब दी गई दो परिमेय संख्याओं को ध्यान से देखिए और इन्हें इस क्रम में विभाजित करिए। ध्यान रहे, 2^2 बराबर 4 होता है। अब इन संख्याओं के क्रम को बदलकर विभाजन करिए। इससे आपको क्या पता चला? सर, यहाँ पर तो दोनों ही बार उत्तर एक ही आया। बच्चों, क्या इस उदाहरण से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का विभाजन क्रम विनिमेय है? चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, अब इन परिमेय संख्याओं को देखिए और इसी क्रम में भाग करके उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इन संख्याओं के क्रमों को बदलिए और कॉपी में उत्तर लिखते हुए इनकी तुलना करिए। सर, इस सवाल के लिए क्रमों को बदलने पर हमारा उत्तर अलग आया। जब हम 0 को 5 से विभाजित करते हैं तो उत्तर 0 आता है, लेकिन 5 को 0 से विभाजित करने पर उत्तर 5/0 मिल रहा है। 5 को 0 से विभाजित करने पर हमें अपरिभाषित उत्तर मिलता है। यहाँ हमने उदाहरण की सहायता से ये जाना कि जब संख्याएं बराबर हो तो भाग करते समय क्रमों के बदलने से हमें उत्तर एक ही मिलता है, लेकिन सामान्यतः भाग करते वक्त यदि हम क्रमों को बदल दे तो हमारा उत्तर बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिमेय संख्याओं का भाग क्रम विनिमेय नहीं है। तो दोस्तों, इस सत्र में हमने सीखा परिमेय संख्याओं का योग और गुणन क्रम विनिमेय होता है, पर व्यवकलन और भाग क्रम विनिमेय नहीं होता है। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुणधर्म पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि परिमेय संख्याओं का योग और गुणन क्रम विनिमेय है, पर व्यवकलन और भाग क्रम विनिमेय नहीं है। आइए देखते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आप सब भी इस सवाल को हल करिए। सर, हम परिमेय संख्याओं का गुणन किसी भी क्रम में कर सकते हैं, इसलिए पहला विकल्प सत्य है। एकदम सही। दूसरे विकल्प के बारे में आपको क्या लगता है? सर, दूसरा विकल्प गलत है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, बाईं ओर उत्तर आया 1/4।
और दाईं ओर उत्तर आया ऋण 1/4। पर सर तीसरा विकल्प सही है। बाईं ओर उत्तर आया 29/20 और दाईं ओर भी उत्तर आया 29/20 क्योंकि परिमेय संख्याओं का जोड़ क्रम विनिमेय है। और चौथा वाला विकल्प गलत है। हम यहाँ देख सकते हैं कि बाईं ओर उत्तर 5/6 आ रहा है और दाईं ओर उत्तर 6/5 आ रहा है। ये बराबर नहीं है, यह एक दूसरे के व्युत्क्रम है। सही जवाब सोहन, पर आखिरी वाले विकल्प के बारे में आप क्या सोचते हो? सर, अगर हम इसके बाएं पक्ष यानी LHS पर गौर करें तो हम वर्गमूल 9 को 3 के बराबर और वर्गमूल 25 को 5 के बराबर लिख सकते हैं। इस तरह हम वर्गमूल 9/25 को 3/5 के बराबर लिख सकते हैं। अब हम बाई ओर को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जो 3/5 गुना 7/4 के बराबर है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय है, इसलिए हम 3/5 गुना 7/4 को 7/4 गुना 3/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रम बदलने से उत्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम देख सकते हैं कि ये हमारे विकल्प में दिए दाईं ओर के पक्ष यानी RHS के बराबर है, यानी हमारा आखिरी विकल्प सही है। बच्चों, अब इस रिक्त स्थान को भरिए। आप सब भी इस सवाल को हल करिए। सर, इस सवाल का उत्तर है 11/9। कैसे मोहन? सर, इस सवाल में हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि वर्गमूल 4/3 से गुना होने पर 11/9 और 2/3 के गुणनफल के बराबर उत्तर दे। वर्गमूल 4/2 होता है, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। दिए गए प्रश्न को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसे हल करिए। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय होता है, इसलिए अगर हम यहाँ रिक्त स्थान पर 11/9 लिखेंगे तो हम देख सकते हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, यानी हमारा उत्तर 11/9 है। बच्चों, इस वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं की क्रम विनिमयता से संबंधित उदाहरण देखे। इस सत्र में इतना ही। धन्यवाद।